गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ गीता ग्लोबल स्कूल। माय नेम इज सुरभि भारद्वाज, आई एम योर मैथ्स टीचर एंड दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास सिक्स मैथ्स। इन आवर प्रीवियस क्लास वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 7, सो नाउ वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 8 विच इज़ डेसिमल्स। इसमें क्या पढ़ेंगे हम? डेसिमल के बारे में। तो डेसिमल का मतलब क्या होता है? डेसिमल का मतलब होता है ऐसी डिजिट जो डेसिमल से पहले भी आ रही है और उसमें बीच में पॉइंट लगा हुआ है। जैसे कि आपसे कोई बोले कि आपके पास कितने रुपए हैं, तो आपके पास कितने रुपए थे? आपके पास से 6 रुपीज़ थे और 75 पैसे थे। 6 रुपीज़ थे और 75 पैसे थे। तो कोई आपसे पूछे कि इसको डेसिमल में कैसे लिखोगे, तो 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100। आपके पास पैसे कितने? 75 पैसे हैं, तो 6.75, ये क्या हो गए आपके पास? पैसे। तो ये जो नंबर होते हैं जिसमें बीच में ऐसा पॉइंट लगा होता है वो क्या होते हैं? डेसिमल नंबर। इसमें एक चीज़ समझने की ये होती है कि जो डेसिमल से पहले नंबर आते हैं उसे बोलते हैं, डेसिमल के लेफ्ट साइड में जो नंबर आते हैं उन्हें बोलते हैं होल नंबर्स, और या फिर होल नंबर पार्ट। और डेसिमल के, ये डेसिमल है, इसके बाद में जो नंबर आते हैं उन्हें बोलते हैं डेसिमल पार्ट। क्या बोलते हैं उन्हें? डेसिमल पार्ट। और डेसिमल पार्ट को कभी कंप्लीट नहीं बोलते हम लोग। जैसे कि इधर 7 और 5 लिखा हुआ है, इसे हम वैसे तो नॉर्मली 75 बोलेंगे, बट इसे कैसे बोलेंगे? 75। पॉइंट के बाद अगर हमें 6 2 9 ये लिखा हुआ है तो इसे हम 629 नहीं बोलेंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद में लिखा हुआ है। तो इसे कैसे बोलेंगे? 6.629। ओके, अब नेक्स्ट चीज़ आती है इसमें कि डेसिमल्स को बोलते कैसे हैं। अब जैसे कि हम लोग एक टेबल बनाते हैं प्लेस वैल्यू की एक टेबल बनाते हैं। इस टेबल में क्या करते हैं, इधर तो हंड्रेड्स तक नंबर ले लेते हैं, फिर इधर क्या आएगा, हंड्रेड के बाद टेंस आएगा, इधर क्या आएगा, वंस आएगा, इधर क्या आ जाएगा आपका, डेसिमल। उसके बाद कैसे आते हैं नंबर डेसिमल में? जैसे इधर से हंड्रेड टेंस वन शुरू होते हैं, मतलब कि यहाँ से अपने लेफ्ट से, सॉरी राइट से लेफ्ट की तरफ शुरू होते हैं डेसिमल के बाद नंबर शुरू होते हैं लेफ्ट टू राइट, यहाँ आ जाएगा टेंस 100 thousands। इसमें हमारे नॉर्मल नंबर्स तो राइट टू लेफ्ट चलते हैं, डेसिमल के बाद नंबर लेफ्ट टू राइट चलते हैं। अब जैसे हमारे पास एक नंबर है 453.686। अब इसका आप प्लेस वैल्यू कैसे लिखोगे? हंड्रेड्स की जगह पे क्या है इसमें? 4 है हमारे पास, तो 400 हो गया। उसके बाद टेंस की जगह पे क्या है? 5 है, 5 टेंस है, तो 50 हो गया। वंस की जगह पे क्या है? 3 है, डेसिमल की जगह डेसिमल आ जाएगा। अब टेंथ की जगह पे क्या है? 6। हंड्रेड्स की जगह पे 8 और थाउजेंड की जगह पे भी क्या है? 6। तो ये इसकी प्लेस वैल्यू हो गई। ये हमेशा ध्यान रखना, जैसे कि अगर आपके पास डेसिमल में ये नंबर लिखा हुआ है 4.2, तो इसे आप कैसे लिख सकते हो? पॉइंट के बाद में कितनी डिजिट है? 1 डिजिट है, तो इसे आप 4 2 by 10 भी लिख सकते हो। जितनी डिजिट हैं डेसिमल के बाद में उतनी नीचे आप 0 लगा सकते हो, इसका फ्रैक्शन में लिख सकते हो। जैसे कि आपके पास लिखा हुआ है 0.628, तो इसे आप कैसे लिखोगे फ्रैक्शन में? कितनी डिजिट है डेसिमल के बाद? 1 2 3, तो नीचे आपको कितनी 0 लगा देनी है? 6 2 8 तो ऐसे लिखो, नीचे 3 0 लगा दो, हो गया। उसके बाद में एक लेते हैं, चलो 0.72 ये ले लिया आपने, तो कितने नंबर है डेसिमल के बाद में? 1 और 2, तो 72 लिख के नीचे 2 0 लगा दो, 1 के बाद क्या हो गया? 72/100। तो ऐसे आपके फ्रैक्शंस के नंबर को हम सॉल्व करते हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन आंसर्स पे, एक्सरसाइज 8.1। सो
सो एक्सरसाइज 8.1 में शुरू करते हैं हम। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द फॉलोइंग एज नंबर्स इन द गिवन टेबल। ये आपको ये दिए हुए हैं, इनको आपको नंबर्स में कन्वर्ट करके इस टेबल में लिखना है। ओके, तो सबसे पहले टेंस दे रखा है, टेंस में कितने ब्लॉक्स हैं, 3 ब्लॉक्स हैं, तो टेंस में लिख देंगे हम 3 हो गया। उसके बाद वंस में कितना है, 1, और टेंथ कितना है, 2 है। 100 में क्या लिख देंगे, फिर 0। इस वाली टेबल में देखते हैं हंड्रेड्स में कितने ब्लॉक्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इसमें हंड्रेड्स में है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हंड्रेड्स की जगह पे क्या आ जाएगा, 10। टेंस में कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, टेंस में क्या है, 1। वंस में कुछ भी नहीं है तो वंस में 0 लिख देंगे, और टेंथ में क्या है, टेंथ किसके बाद आता है, डेसिमल के बाद में, तो 1, 2, 3, 4, 4। एक कितना हंड्रेड है इधर, आप इधर या तो पूरा 100 भी लिख सकते हो या फिर सिर्फ 1 भी लिख सकते हो, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 100 समय दे रखा है, तो इसलिए हम इधर ओनली 1 लिख देंगे, तो 100 हो गया। टेंस में भी 1 हो गया, वंस में 0 है और टेंस में क्या है, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन द प्लेस वैल्यू टेबल। प्लेस वैल्यू टेबल में इनको आपको लिखना है, तो ठीक है चलिए लिखते हैं। प्लेस वैल्यू टेबल में बना लेते हैं टेबल, प्लेस वैल्यू टेबल। क्वेश्चन नंबर है आपका 2, एक्सरसाइज 8.1। इसमें इधर लिखते हैं हंड्रेड्स वाला आ जाएगा, इधर आपका टेंस आ जाएगा, इधर आपका वंस आ जाएगा, इधर डेसिमल का पार्ट छोड़ो, उसके बाद इधर आ जाएगा टेंस, इधर हंड्रेड्स, हंड्रेड्स तक ही लिख लेते हैं हम सिर्फ। ठीक है, अब फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट दे रखा है आपको 19.4, तो 19 में 1 तो क्या है, ये टेंस में है और ये वंस में है, इतना तो आप जानते हो, तो 1 टेंस में क्या आ जाएगा, 1, वंस में क्या आ जाएगा, 9, डेसिमल की जगह डेसिमल, उसके बाद क्या है, 4 है, एक ही है तो वो टेंस के बाद टेंस में आ जाएगा। उसके बाद है 0.3, तो पहले तो कुछ है ही नहीं, होल पार्ट में डेसिमल के बाद में ही है दोनों, तो इधर टेंस में 3 आ जाएगा। इधर 10.6 है थर्ड में, 10.6 है तो 10, 1 तो इसमें आ जाएगा आपका टेंस में, वंस में 0 आ जाएगा, फिर डेसिमल, और फिर 6 है तो 6 आपका टेंस में आ जाएगा। 205.9, इधर आपका खाली जगह में 0 लिख देते हैं जिससे कंफ्यूजन नहीं हो। अब फोर्थ वाला क्या है, 205.9, 205 है और 100 में क्या आ जाएगा, फिर 0, टेंस में 0 है तो 0 लिख दिया, वंस में 5 आ जाएगा, डेसिमल लगाया, और उसके बाद टेंथ में क्या आ जाएगा, 9, ये आपका प्लेस वैल्यू में हो गया। उस नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल, ये आपको किस में लिखना है, डेसिमल में। चलिए देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन 7/10, 7 और 10th है तो एक इसी नंबर के आगे डेसिमल लग जाएगा, तो हो जाएगा 0.7। बी में 2/10 एंड 9/10, टेंथ की वैल्यू क्या है, 2, वंस में कुछ नहीं है तो 0 आ जाएगा, उसके बाद डेसिमल लगा, और 9/10 है तो 0.9, टेंस का मतलब 1 नंबर बाद ही डेसिमल आ जाएगा। 14.6, ये तो इजी है, इसे तो हम 14.6 एज इट इज़ लिख दिया हमने। 100 में आ गया, वंस में क्या है, 2 है, तो टेंस में कुछ नहीं तो 0 लगा के 2 लिख दिया हमने, 102 हो गया। उसके बाद में 600.8, 600
0.8 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल, आपको फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, इनको आपको किस में लिखना है, डेसिमल में लिखना है। अब 5/10 है, मैंने आपको बताया था कि नीचे कितनी ज़ीरो हैं उतना ही ऊपर डेसिमल लगा दो उतने नंबर बार, एक ज़ीरो है तो ऊपर एक ही नंबर बार डेसिमल हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0.5, या आप इसे 0.5 भी लिख सकते हो। अब 3 है, 3 क्या दे रखा है हमें, होल नंबर, तो 3 तो होल नंबर में आ जाएगा। अब नीचे क्या है, 10 है सिर्फ, तो एक नंबर बाद ही डेसिमल आ जाएगा, 3.7 आ गया। ओके, अब सी वाला देखते हैं, इसमें 200 + 60 + 5, पहले तो ये तो होल नंबर है तो पहले तो इनको ऐड कर लेंगे, 260 और 5 का क्या हो गया, 265, और कितने नंबर बाद डेसिमल लगेगा, क्योंकि नीचे 10 है तो 1 नंबर बाद ही लग जाएगा, तो 1 लिखा और इससे पहले डेसिमल लगा दिया। इस क्वेश्चन में देखते हैं, 70 तो होल नंबर हो गया, अब डेसिमल कब लगेगा, 8 से पहले, क्योंकि एक ही 0 है, तो 70.8। अब इसमें देखते हैं, 88 हमने एज इट इज़ लिख दिया, अब नीचे कितने 0 हैं, 10, तो एक नंबर बाद डेसिमल लगा दो, 8.8। अब ये है, इसे कैसे लिखोगे आप, 4 है तो 4 तो होल नंबर आ गया, तो इसे आप एज इट इज़ लिख दो। उसके बाद ऊपर 2 है और नीचे क्या है, 10 है, तो 2 लिखा आपने और 10 बार डेसिमल लगा दिया। ओके, अब क्या है, अभी तक तो नीचे क्या मिल रहे थे हमें, सब में 10 मिल रहे थे, अब जिसमें नीचे 10 नहीं है उसे कैसे करेंगे, तो चलिए इसे समझते हैं एक बार। जी वाला क्या है, 3/2। क्वेश्चन नंबर 4 का जी क्या है, 3/2। अब इसमें क्या करते हैं, जिन नंबर्स में हमें नीचे 0 नहीं मिलता है उसमें क्या करते हैं, हम 0 लेके आएंगे फिर, तो 2 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि नियरेस्ट उसको 0 मिल जाए, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा, 2 को किस से मल्टीप्लाई किया, 5 से, तो नीचे क्या मिल गया हमें, 10 मिल गया, तो ऊपर भी उसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 को किससे मल्टीप्लाई करें, 5 से, ऊपर कितना हो गया, 15। अब हमें मिल गया 15/10, अब तो हम लिख सकते हैं 15, हमने लिखा 10 बार डेसिम, नीचे 10 है तो 10 बार डेसिमल लगा दिया, क्या हो गया, 1.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2/5, जी एच वाला क्या है, 2/5। अब 5 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि 10 मिल जाए हमें, 2 से, तो 5 × 2, तो इधर कर देंगे 2 × 2, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है, 2 × 2 = 4 और 5 × 2 = 10, 4/10 मिल गया, अब नीचे क्या है, 10, तो ऊपर 1 नंबर पहले डेसिमल लग जाएगा, सिंपल, 0.4 आ गया। अब करते हैं 12/5, आई में क्या है, 12/5, और 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 10 मिले, 2 से, 5 × 2, तो ऊपर भी 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर हो गया 12 × 2 = 24 और नीचे हो गया 5 × 2 = 10, अब तो हमें 10 मिल गया, तो क्या करेंगे, 24 हमने लिखा, नीचे क्या है, 10 है तो एक नंबर पहले डेसिमल लग जाएगा, 2.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 × 3/5, ये लिख दिया आपने, अब 3 को तो आप एज इट इज़ छोड़ दो, थ्री आपने छोड़ दिया, अब 3/5 को करना है हमें, तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 10 के लिए, और 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फिर 2 से, तो ये हो गया 3, तो इधर छोड़ो, ऊपर आ गया 6/10। अब 6/10 को हम क्या लिख सकते हैं, 6, तो 3 आपने छोड़ा, 6 लिख दिया आपने, और 10 बार डेसिमल है तो 10 आपने लगा दी, 3.6 आंसर हो गया। अब इसमें देखते हैं के वाला बचा है, तो के वाला आप अपने आप कर लेना, और इसके बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।